तो गाइस ये सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके देख लो। तो आज हमारा मिशन है बचाओ पीटर पार्कर। ओए दोस्तों हमें कैसे ना कैसे पीटर पार्कर भैया को बचाना ही होगा। और राइनो और तेरा सींग हिला दूंगा। ए दोस्तों गंदी आवाजें निकालते है, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। अब खा तू मेरा इलेक्ट्रिक पंच। ए ये कौन सा मूव है? अरे दोस्तों ये तो कोई नया ही मूव खोल दिया शिनचैन ने। अरे बहुत बढ़िया भाई। और दोस्तों बच के वो पत्थर फेंक रहा है। अरे बचो बचो भाई पत्थर से, बच गए। अरे ये तुम्हारी गर्दन दबा रहा है। ए बच यार। अरे हमें हील करना होगा वरना हमारी हेल्थ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अरे ये तो फिर से हमें ऑलमोस्ट मारने ही वाला है यार, अब हम क्या करें? अरे दोस्तों मेरे को भी इस बार कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना इलेक्ट्रिक पंच इसके सर पे घुसेड़ दूंगा। When they hear that the thing goes bang, do 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 bang, do my ones, I'll do a gang, jump out claws or jump out bands. They run when they hear that the thing goes bang. अरे स्पाइडरमैन भैया आप ठीक तो हो ना? ओ माइल्स मैटिगो। अरे यार आप बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, आपको आराम की जरूरत है। ए ये कौन है? ये लोग शायद कोई कंपनी के लोग हैं, ये लोग राइनो को शायद पकड़ने आए हैं। ओ भाई साहब, अरे 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 स्पाइडरमैन, आप लोगों ने खुद ही हरा दिया इतने बड़े राइनो को। भाई आप लोगों से तगड़ा मैंने कोई नहीं देखा। मेरा नाम साइमन क्रीगर है, आपसे बहुत बढ़िया लगा मिलके। हाँ मुझे भी। मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना कि आप लोगों ने राइनो को मार दिया, क्योंकि इस जगह पे मैं बनाने वाला था अपनी फैक्ट्री, लेकिन राइनो पूरी तबाह कर देता अगर वो अकेला होता यहाँ पे। तो आप लोगों ने उसे अकेले ही हरा दिया, आप लोग बहुत बढ़िया हो। ओए लेकिन भाई साहब वो बहुत डेंजरस है, आप अकेले कैसे संभालोगे उसे? नहीं बेटे हम संभाल लेंगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक पुलिस आ पाएगी तब तक हम संभाल लेंगे। आप लोग तब तक घर जा सकते हो, चाय नाश्ता कर लेना, मेरे को फोन आ रहा है। तब तक के लिए शाबाश खैर। माइल्स मुझे लगता है ये सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। हाँ आप सही कह रहे हो, चलो हम भी चलते हैं यहाँ से। माइल्स तुम्हारे पास बायो इलेक्ट्रिसिटी है यार, मैं थोड़ा जेलस हूँ यार तुमसे, इतनी बढ़िया चीज तुम्हें मिल कैसे गई? पूरी कुछ नहीं होता, आपको भी दिलवा दूंगा पाजी। मुझे लगता है कि कल हमें इस पे एक टेस्ट भी करना चाहिए। माइल्स मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, और वो मैंने तुम्हें अभी तक बताई नहीं है कि ना मैं थोड़े दिनों के लिए जा रहा हूँ, या फिर थोड़े हफ्तों के लिए। अरे कोई जोक है ना? नहीं ये कोई जोक नहीं है, एमजे ने एक्चुअली मुझे फोटोग्राफर के रूप में बुलाया बाहर, ये हमारे लिए थोड़ी वेकेशन सी होगी। ए यार अच्छा सोचा था कि बायो इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट करेंगे, लेकिन अब तुझे अकेले ही जाना है तो निकल यहाँ से, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, अब मैं घर जाके पाद मारूंगा। माइल्स चलो ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। अरे ये क्या है? अरे सरप्राइज सरप्राइज। इसे खोलने से पहले मुझे एक वचन दे कि तू अपनी सारी शक्तियाँ इस सिटी को प्रोटेक्ट करने में ही लगाएगा। हाँ मैं वचन देता हूँ। चल अब मैं चलता हूँ, तेरे से थोड़े हफ्तों के बाद मिलूंगा, तब तक के लिए पूरी रक्षा वक्षा ढंग से करियो ठीक है? तू ही है न्यूयॉर्क का ओनली स्पाइडरमैन, चल बाय। अरे दोस्तों ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब हम ही बचे हैं इस न्यूयॉर्क के ओनली रक्षक। ए यार सही में सारा प्रेशर हम पे डाल के चले गए, कोई बात नहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए बस हमसे। हाँ भाई बस उसी चीज की चिंता है कि गड़बड़ ना हो जाए। हाँ दोस्तों कोई नहीं हम करके रहेंगे। चलो दोस्तों जल्दी से चेक करते हैं कि गिफ्ट के अंदर क्या है। हाँ चलो। अरे ये तो अपना मोटा दोस्त है। ओले भाई तू आ गया? अरे भाई ये क्या है? देख मेरे को स्पाइडरमैन ने गिफ्ट दिया। अरे भाई चल खोलते हैं। हाँ चल देखते हैं। अरे भाई ये तो स्पाइडरमैन वाला सूट है, इसको पहन के देख जल्दी, मैं तब तक कवर करता हूँ कि कोई तेरे को देख ना ले। अरे सारा प्रेशर मुझ पे ही है। क्या कर सक रहे, कोई बहन जी जा रही है। अरे यहाँ पे कोई स्पाइडरमैन कपड़े नहीं बदल रहा है। देख के पता मैं कैसे लग रहा हूँ? स्पाइडरमैन लग रहा है, स्पाइडरमैन बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे भाई, स्पाइडरमैन की जैसा लग रहा है बिल्कुल। Congratulations, ये गिफ्ट माइल्स मोरेल्स के लिए है पीटर पार्कर की तरफ से, let's go see we। वैसे आधा ही गिफ्ट था, तो आधा गिफ्ट और का है मेरे भाई, वो तो मेरे को खुद ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों लगता है इस बिल्डिंग के ऊपर होना चाहिए। हाँ चलो चल के देखते हैं, क्योंकि इस पे स्पाइडरमैन का लोगो बना हुआ है। अरे दोस्तों देखो यहाँ पे एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है। हाँ वही देखो उसको, देखते हैं उसमें क्या है। हाँ रुको मैं थोड़ी कोडिंग करता हूँ, फिर हमें पता चलेगा कि गिफ्ट है क्या सही। अरे ये क्या हो रहा है? ए हमारा पूरा स्कैन हो रहा है। अरे ये पीटर पार्कर भैया कैसे आ गए? हेलो माइल्स मैं आ गया। अरे आप कैसे आ गए? अरे ये होलोग्राफिक है और ये तुम्हें चैलेंजेस दिखाएगा पूरे सिटी के अक्रॉस, और तुम्हें नए मूव्स और नई टेक्निक सिखाएगा। जामा एक बार सिलेबस पढ़ ले, बाद में आके सीख लेंगे।
हाँ रुक जा मैं पढ़ लेता हूँ। हमें करना है यार पूरा, हमें करना है स्टिल्स स्विंगिंग और कॉम्बैट वगैरह। हाँ ठीक है वो सब हम सीख लेंगे बाद में, चलो अभी मॉल चलती है। ओ यहाँ मैं थोड़ी सी शॉपिंग कर लूंगा। हाँ तो चलो फिर जल्दी से चलती है। ए हाँ दोस्तों गाइस अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अरे भाई मॉल के अंदर ये क्या बना दिया। हेलो मैं हूँ साइमन क्रूगर और आप जिस चीज के साइड में खड़े हैं वो है न्यू फॉर्म रिएक्टर। ये मेरा काफी मस्त प्रोडक्ट जो लगाते ही पूरी दुनिया को पावर सप्लाई कर सकती है सिर्फ इधर से बैठे बैठे 100 सालों के लिए। उससे तो बहुत ही खतरनाक चीज है, पक्का गुंडों को चाहिए होगी ये। ए हाँ एक बार अंदर जाके तसल्ली कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे देखो शीशा भी टूटा हुआ है, लगता है कोई तो आया था यहाँ पे। अरे दोस्तों एक बार कंप्यूटर चेक कर लेते हैं। ओए कंप्यूटर में तो पहले से ही किसी ने सर्च कर रखा है न्यू फॉर्म। अरे इसका मतलब पक्का कोई चोर आके चेक कर रहा था यहाँ पे। दोस्तों मैंने ऐसे गैजेट्स अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। अरे लेकिन हमारा बायो पंच है ना वो इनकी गैजेट्स को फाड़ के रख देगा। हाँ रुको मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। अरे लेकिन इनके गैजेट्स भी बहुत ज्यादा तगड़े हैं भाई, रुक मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। ए बहुत बढ़िया शिनचान बहुत बढ़िया। अरे पीछे देख। हाँ देख लिया था मैंने, देख लिया था। ये ले बोकुदापन। ओए छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी, नहीं छोड़ूंगा। हर बंदे को एक गंद घुसण मारूंगा। और तू तो गया भाई। ओए तू कहां से आ रहा है। और जो भी बंदा अपनी शील्ड यूज कर रहा है वो मेरा दिमाग सटका रहा है, उसे तो पड़ेगा मेरा न्यूट्रॉन ब्यूट्रॉन पंच। अरे जैक भी ने तो अपना ही नाम इन्वेंट कर दिया न्यूट्रॉन पंच कुछ भी। और ये ले। दोस्तों मैंने इमरजेंसी बटन दबा के बुला लिया है, इस कंपनी के जो वो है ना टीम वाले मेंबर्स वो आके रक्षा खुद ही कर लेंगे, अब हमारी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है वैसे भी मैंने सबको ऑलमोस्ट हराई दिया है, अब ये क्या ही मदद करेंगे। चलो दोस्तों हम भी घर चलते हैं, वैसे भी आज क्रिसमस का। अरे कितनी कम इज्जत है यार हमारी। ए मम्मी आपको पता नहीं है क्या मैं भगवान हूँ। क्या बोल रहे हो तुम बेटे, तुम कचड़े दान हो। टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ मैं। क्रिसमस की लाइट ऑन कर दो। ए इतनी कम इज्जत है क्या मेरी। ए क्रिसमस की लाइट क्या होती है मम्मी बताओ, क्रिसमस की लाइट क्या होती है। अरे बेटा जहाँ पे ये पेड़ है उसकी लाइट जला दो। अच्छा ये रुको। अरे यार ये जला दी मैंने। अरे कितना मुश्किल था यार ये सारा काम मैं नहीं कर सकता। अरे यार दोस्तों मदद कर दो। ओ यार मामे बहुत नींद आ रही है तू ही कर। ए यार मम्मी ने गाना चलाने को भी बोला लेकिन गाना कैसे चलाते हैं। अरे यार मेरा सर फट जाएगा, मैं घर तोड़ दूंगा। ए गाना कैसे चलाते हैं, फोटो से गाना चलाते हैं क्या। अरे ये कैसी मशीन है, रुको बटन दबा के देखता हूँ। गाड़ी वाला आया घर से कचरा। ए मम्मी चला दिया गाना। क्रिसमस के गाने बहन जी मैं आपको नहीं कह रही, मैं अपने नालायक बेटे को कह रही हूं। ए अब क्रिसमस के गाने क्या होते हैं, लगता है कोई सीडी वीडी में हो गए गाने, रुको मैं ढूंढ के लाता हूँ। अरे लेकिन यार इतनी मेहनत क्यों करवा रही है मम्मी, ये गाना इतना अच्छा तो है, कचरे के ऊपर गाना इतना बढ़िया तो है। दोस्तों मदद करो यार मेरी। ठीक है यार कर देते हैं, ये वाला तो नहीं है क्रिसमस का गाना। अरे यही है मैं बोल रहा हूँ। अरे जब तुझे हमारी मदद चाहिए नहीं तो बोल क्यों रहे। अच्छा सॉरी ये वाली देख शायद ये होगी। ए हाँ यही है इसमें लिखा भी है मैरी क्राइसो। अरे क्राइसो नहीं क्रिसमस लिखा है भाई। अरे लगता है कोई आया है। ए गेट खोल के चेक करते हैं। अरे ये तो फिन है। और फिन कैसी हो तुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तुम्हारी डोरबेल ठीक कर दी, खराब थी बहुत दिनों से। अच्छा लगा तुमसे मिलके इतने दिनों के बाद। अरे वैसे मैरी क्रिसमस। अरे मैरी नहीं होता मेरी होता है गधे। अरे फिन बेटी बढ़िया लगा तुमसे मिलके। अरे मुझे भी बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। अरे लेकिन वैसे ये मोटा गैंडा सड़क पे क्यों लेटा है। मैं इसको बोला था कि इस मोटे गैंडे को ना इनवाइट करे लेकिन इसने फिर भी कर दिया। मोटे गैंडे ने सारा भाई तो जमीन पे गिरा दिया। मेरा नाम
पोकेमोन पिकाचू पी 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 पी। अरे लगता है इसका दिमाग खराब है थोड़ा। अरे नहीं नहीं इसका दिमाग खराब नहीं है, ये ऐसी पागल बनती करता रहता है बस। आपसे मिलकर बढ़िया लगा बहन जी। अरे लेकिन आपको पता है ना स्पाइडरमैन हमारे साथ नहीं रहता, स्पाइडरमैन हमारे साथ नहीं रहता। जिंक्स, अरे एकदम से लाइट क्यों होने लग गया? ये लगता है लाइट का फ्यूज उड़ गया है। एक बार चेक करके आना क्या हुआ है? मैं ठीक करके आता हूँ मम्मी। तो यार हमारी बाहर कितनी इज्जत है और यहाँ पे देखो हमारी इज्जत का फालूदा हो चुका है बिल्कुल। एक बार चेक कर ये वाली, यहाँ से पता चल जाएगा कि लाइट यहाँ से गई हुई है या फिर पूरी फ्यूज ही उड़ चुका है। अरे दोस्तों मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कोई फॉल्ट है का सामान, तू बता। अरे भाई यहाँ से नहीं है, पूरा बाहर का फ्यूज ही उड़ चुका है, एक बार हमें वहाँ जाके ठीक करना पड़ेगा। हाँ चलो फिर जल्दी से चल के ठीक करके आते हैं, ए वरना पूरे शहर का ही क्रिसमस खराब हो जाएगा। ए बस हमें कोई देख ना ले। अरे दोस्तों आराम से हमें जाना पड़ेगा। हाँ यार बस यही चिंता की कोई देख ना ले। ए देखो दोस्तों वहाँ से लाइन जा रही है, हमें उसको बस फॉलो करते रहना होगा। हाँ तो सही कह रहा है। देखो, 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 स्पाइडरमैन। अरे किसने देख लिया हमें? और जिसने भी देख लिया कल उसको मारना पड़ेगा हमें। हाँ भाई सबूत नहीं है, मिलना चाहिए कि हम ही स्पाइडरमैन है। हाँ भाई दोस्तों कल उसको मार देंगे। दोस्तों ट्रांसमीटर तक तो पहुँच गए लेकिन इसे ठीक कैसे करेंगे? अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला घुसंड मार के देखते हैं ना। अरे तो काम कर गया। ए हमें जल्दी से अंदर जाना पड़ेगा इससे पहले कि हमें और लोग देख ले। वो जिसने देखा वो तो गया भाई, लेकिन अब और ना देखे। हाँ भाई हमें भी मारना अच्छा नहीं लगता ना। अरे चलो दोस्तों यहाँ से चलते हैं। अरे इधर देख ले घोचू। ओए मम्मी जी वहाँ क्या देख रही हो? मेरी शक्ल देखो, मेरी शक्ल पे गोबर गिरा ना कल। मेरी शक्ल में गोबर, देखो मेरी पीठ पे भी गोबर। आज गोबर सेल्फी हो जाए सब बोलो। अरे मम्मी मैं ठीक कराया। अरे बहुत बढ़िया, तो चलो अब साथ में मिलके खाना खाते हैं। मेरी क्रिसमस। उरे सो गए रे, तेरी मम्मी को तेरे स्पाइडरमैन होने का रास पता चल चुका है, जल्दी से उठ। सिर्फ मम्मी नहीं पूरा शहर। तो गाइस आप लोगों को जानने इसके बाद क्या हुआ, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो ताकि जैसे मैं भी डालूं आप लोगों को पता चल जाए। और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। फॉलो करने के बाद स्क्रीनशॉट को स्टोरी पे लगा के मेरे को टैग करना तो बिल्कुल भी मत भूलना ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है। तब तक के लिए बाय।